सच्चाई एक सुंदर और खतरनाक चीज है और इसलिए इसे बहुत सावधानी से व्यवहार में लाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और बुध के मकर राशि में गोचर फल के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है और यह एपिसोड में सिर्फ बुध ग्रह का विश्लेषण कर रहा हूं। आपकी जन्म कुंडली में बुध की स्थिति शुभ होने पर अशुभता का असर कम होगा और आपकी कुंडली में बुध अशुभ होने पर बहुत ज्यादा नेगेटिव असर दिखा सकता है, इसलिए अपनी जन्म कुंडली से विश्लेषण ज्यादा उचित रहता है। बुध को ज्योतिष शास्त्र में काफी अहम माना जाता है। बुध की कृपा से ही जातक विद्वान होता है, उसकी आर्ग्यूमेंट पावर, तर्क क्षमता मजबूत होती है, संचार कौशल में, कम्युनिकेशन में बहुत बेहतर होता है। बुध ग्रह दशम भाव अर्थात कैरियर और चतुर्थ भाव अर्थात सुख, इन दोनों का कारक होने के कारण व्यक्ति के जीवन में सुख, वैभव, मान सम्मान और संपत्ति, इन सभी में स्ट्रेंथ प्रदान करता है, या ये बोल सकते हैं बल प्रदान करता है। बुध के नेगेटिव होने से मेमोरी में कमी, सर दर्द, माइग्रेन, स्किन या पिगमेंट से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, रोग हो सकते हैं। और यही बुध ग्रह 5 जनवरी से 25 जनवरी की प्रातः तक मकर राशि में गतिशील रहेंगे और फिर वापस 30 जनवरी को वक्री होकर के एक बार फिर से बुध 4 फरवरी से लगा करके 11 मार्च तक भी मकर राशि में ही गतिशील रहेंगे। तो आइए देखते हैं मकर राशि में बुध का गोचर आपको क्या देने वाला है। सबसे पहले आरंभ करेंगे मेष राशि से। बुध का आपकी राशि से दशम भाव में 10th हाउस में गोचर वर्ष प्रवेश होगा। किसी नए पद की प्राप्ति हो सकती है, शत्रुओं की पराजय होगी, आपके बिजनेस में इंप्रूवमेंट या फिर प्रगति की राह दिखाई देगी, इंप्रूवमेंट होगा। मानसिक सुख शांति के साथ साथ में शानदार घर परिवार का सुख भी आपको मिलेगा और इसी समय काल में मान सम्मान भी मिलेगा तो काम काज में सक्सेस भी मिलेगी और आपके द्वारा सोसाइटी में जनहित के कार्य भी हो सकते हैं। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। बुध का आपकी राशि से 9th हाउस में गोचर वर्ष प्रवेश होगा। इससे दुख, पश्चाताप या पीड़ा, सभी कामों में विघ्न, बाधाएं आने लगेगी, यात्रा में असुविधा और साथ में खर्च अधिक होगा और बहुत सी जगहों पर बहुत सी यात्राओं में लॉस भी हो सकता है। रुपए पैसे या मान सम्मान की हानि होना आम बात है। भाई बंधुओं से वैमनस्यता, विरोध होता रहेगा। धर्म की बातों में, धर्म के कामों में आप कुछ कमियां निकालेंगे, धार्मिक कामकाज की बुराई करने का प्रयास करेंगे, ऐसा नहीं करें। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। बुध का आपकी राशि से अष्टम भाव में 8th हाउस में गोचर वर्ष प्रवेश होगा। इससे आर्थिक लाभ तथा संतान को सुख और सफलता प्राप्त होगी। विरोधियों पर, शत्रुओं पर, कॉम्पिटिटर पर विजय प्राप्त होगी या उन पर आप नियंत्रण कर पाएंगे। हर कार्य में सक्सेस मिलेगी और इससे आप खुश, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आपकी फाइनेंशियली तथा सोशल स्टेटस में इंप्रूवमेंट आएगा। आइए अब बात करें कर्क राशि की। बुध का आपकी राशि से 7th हाउस में गोचर वर्ष प्रवेश होगा। इससे शरीर निस्तेज, एनर्जी लेवल में कमी और शारीरिक दर्द रहेगा। जीवन साथी और परिवार से भी विवाद हो सकता है, फ्रेंड्स और जो फैमिली मेंबर्स हैं उनसे भी वाद विवाद रहेगा, अनबन रहेगी। गवर्नमेंट की ओर से डर लगा रहेगा या फिर रुपए पैसे का नुकसान हो सकता है। यात्राओं में, बिजनेस में गेन नहीं मिल पाएगा और ऐसे में आप स्ट्रेस में ज्यादा रहेंगे, तनाव में ज्यादा रहेंगे। आइए अब बात करें सिंह राशि की। बुध का आपकी राशि से रोग भाव में गोचर वर्ष प्रवेश होगा। आर्थिक लाभ और शानदार शॉपिंग करने से खुशी मिलेगी। अच्छी या मनोरंजक फिल्में, पिक्चर्स ये देखने का या साहित्य पढ़ने का अवसर मिलेगा। विरोधियों को परास्त करने का या उनको हराने का सुख मिलेगा और सभी लोग आपका मान सम्मान करेंगे। अच्छा शारीरिक और मानसिक स्ट्रेंथ या एनर्जी लेवल का सुख आपको प्राप्त होगा और जो राइटर्स हैं या म्यूजिशियन हैं उनको बहुत शानदार ख्याति मिल सकती है। आइए अब बात करें कन्या राशि की। बुध का आपकी राशि से 5th हाउस में शिक्षा और संतान भाव में गोचर वर्ष प्रवेश होगा और इससे मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं। उलझन, कंफ्यूजन, इल्यूजन, कश्मकश बढ़ जाएगी। प्लानिंग पर, प्रोजेक्ट पर की हुई मेहनत सफल नहीं होगी या पानी फिर जाएगा, ऑब्स्टिकल्स बहुत आएगी। संतान और जीवन साथी से मन मुटाव हो सकता है, मतभेद हो सकता है, मन भेद हो सकता है,
आर्थिक क्षेत्र में भी परेशानी रहेगी या आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। घर के बाहर लोगों से प्रेम वार्ताएं तो होगी, अटैचमेंट भी होगा, अट्रैक्शन में भी आएंगे, परंतु सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। आइए अब बात करें तुला राशि की। बुध का आपकी राशि से फोर्थ हाउस में गोचर वश प्रवेश होगा और इससे रुपए पैसे की प्राप्ति होगी, आमदनी होगी, कामकाज अच्छा चलने लगेगा, आपकी माताजी को सुख और आराम मिलेगा, जमीन जायदाद की स्थिति में इंप्रूवमेंट आ सकता है और यदि जमीन जायदाद खरीदने के लिए आप लंबे समय से एफर्ट कर रहे हैं तो यह समय एकदम सही है जहां पर आपको सौदे को क्रैक कर लेना चाहिए। अच्छे लोगों से, विद्वानों से या फिर उच्च अधिकारियों से, समाज के बड़े लोगों से फ्रेंडशिप बढ़ सकती है, उनसे साथ में आपकी ट्यूनअप बन सकती है, मिलना जुलना बढ़ सकता है, सर्कल में इंप्रूवमेंट आ सकता है और ऐसे ही समय में घर गृहस्थी का सुख भी अच्छा मिलेगा। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। बुध का आपकी राशि से थर्ड हाउस में गोचर वश प्रवेश होगा और ये शुभ नहीं है, इससे आपको भय लगा रहेगा, आपके कॉन्फिडेंस में कमी आ जाएगी, डेयरिंग में कमी आ जाएगी, एनर्जी लेवल एकदम कम हो जाएगा, परिवार और खानदान वालों से आपका विवाद हो सकता है और इसी के साथ में फाइनेंशियली लॉस भी हो सकता है। बहुत से लोग डर के मारे भागते फिरेंगे या इधर इधर छुपने की कोशिश करेंगे, लेकिन अंततः आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा, राहत भी मिलेगी और नए नए फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करेंगे। आइए अब बात करें धनु राशि की। बुध का आपकी राशि से सेकंड हाउस में गोचर वश प्रवेश होगा, यह शुभ होगा, इससे आनंद की वृद्धि होगी, शॉपिंग कमाल की होगी, ऑर्नामेंट्स या फिर ये बोल सकते हैं जेम्स एंड ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट हो सकता है या वो खरीद सकते हैं। अपनी बोलने के स्टाइल से, मार्केटिंग के स्टाइल से आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशन में इंप्रूवमेंट मिलेगा, सक्सेस मिलेगी या आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे और अच्छे खाने पीने में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को एक प्रकार से बहुत अच्छी पार्टी मिलेगी या ये बोल सकते हैं कि ऐसा उनको सर्कल मिल जाएगा जो सबके सब खाने पीने के शौकीन होंगे और ऐसे में आपकी एक प्रकार से बल्ले बल्ले हो जाएगी। संबंधियों से आर्थिक सपोर्ट भी मिलेगा। आइए अब बात करें मकर राशि की। बुध का आपकी राशि में ही गोचर वश प्रवेश होगा, इससे दूसरों की निंदा करने में, ये चुगलखोरी में ही आपका समय व्यतीत होगा, अभद्र भाषा का या गलत शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हैं या व्यर्थ में गॉसिप करके दूसरों को बदनाम कर सकते हैं, ये सही नहीं है। धन हानि अर्थात फाइनेंशियल लॉस और या फिर बंधन का भय हो सकता है। छोटे मोटे जो भी विवाद होते हैं उनके कारण फाइनेंशियली लॉस भी आपको देखना पड़ेगा, ऐसे में आपका आदर सत्कार भी नहीं होगा और परिवारजनों को भी आर्थिक परेशानियां उठानी पड़ सकती है। ऐसे में यात्रा करेंगे तो भी असुविधापूर्ण ढंग से यात्रा पूर्ण होगी और यात्रा में भी खर्चा बहुत होगा, संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। बुध का आपकी राशि से 12वें भाव में 12th हाउस अर्थात एक्सपेंसेस भाव में गोचर वश प्रवेश होगा, इससे फाइनेंस तथा फैसिलिटीज में लॉस हो सकता है, सुख सुविधाओं में कमी आ जाएगी और रुपए पैसे का भी नुकसान हो जाएगा या खर्चा ज्यादा हो जाएगा। अपने परिवार वालों से, घर वालों से, संबंधियों से अनबन रहेगी, मन मुटाव रहेगा, मन में दुख, संताप और यही स्थिति के कारण वाद विवाद में, आपके कामकाज में, आपके कैरियर में भी ऑब्स्टेकल्स आएंगे या आप उनमें प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाएंगे। अपने विरोधियों से, कॉम्पिटिटर से, दुश्मनों से अपमान या हार मिल सकती है। स्वास्थ्य में और शिक्षा में आपको प्रॉब्लम मिल सकती है, ऐसे में आपका कॉन्सेंट्रेशन 100% आपके साथ में रहना चाहिए और स्वास्थ्य के मामले में यदि आपने थोड़ी सी लापरवाही की, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, सबसे पहला सुख स्वास्थ्य ही है, अत निरोगी काया, और निरोगी काया जब भी हो सकती है जब आप अपने ऊपर, खाने पीने के ऊपर, अपनी शारीरिक स्थिति के ऊपर, एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान दें। आइए अब बात करें मीन राशि की। बुध का आपकी राशि से 11th हाउस में लाभ भाव में गोचर वश प्रवेश होगा, जो कि सबसे ज्यादा शानदार होगा, इससे स्वास्थ्य में सुख, फाइनेंशियली गेन, यश की प्राप्ति अर्थात एप्रिसिएशन मिलेगा, फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर से अच्छी मेल मुलाकात होगी, सपोर्ट मिलेगा, उनके साथ में अपना तो बढ़ेगा और साथ ही साथ उनसे गेन भी मिलेगा। जो लोग संतान की कामना करते हैं उनके लिए समय बहुत शुभ है, आपको खुशखबरी मिलने वाली है, शुभ कार्यों में, मांगलिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में आपकी प्रगति बढ़ेगी, आप आस्तिकता की ओर अग्रसर होंगे। आइए अब बात करें बुध के उपायों की।
जिन राशि के लिए बुध नेगेटिव फल देगा, प्रतिकूल फल देगा, उनको तो बुध की उपासना या पूजा या उपाय करने ही चाहिए। लेकिन यदि हर राशि वाले बुध के उपाय करेंगे तो ये बुध का गोचर उनको और ज्यादा शुभ परिणाम दे सकता है। तो ऐसे में बुध के क्या उपाय करें? सबसे पहला उपाय, नित्य गणपति जी की या विष्णु जी की पूजा उपासना करें। चाहे आप गणपति चालीसा का पाठ करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, और या फिर छोटा सा मंत्र ओम गं गणपते नमः और विष्णु जी का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय किसका जाप कर सकते हैं। जो लोग कर्ज से परेशान हैं, कर्ज में दबे हुए हैं, उन लोगों को कर्ज से राहत के लिए गणपति की पूजा अभिषेक करके दूर्वा रोजाना चढ़ानी चाहिए। नित्य शालिग्राम का पूजन करके तुलसी पत्र उनके ऊपर चढ़ाएं और वो तुलसी पत्र सेवन करें। हर बुधवार को हरे साबुत मूंग, मूंग की दाल, हरी वस्तुएं, हरी सब्जी या हरे फलों का दान करना शुभ रहेगा। और अष्टविनायक कवच या दशावतार विष्णु कवच धारण करें, और यदि दोनों का कंबाइंड पेडल आप एक साथ में बनाकर के धारण कर सकते हैं तो और ज्यादा बेटर है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो ये तो था बुध का मकर राशि में गोचर फल, आपको क्या देने वाला है और साथ साथ आपको क्या तनाव देने वाला है, ये सब कुछ आप जान चुके हैं और साथ ही साथ उपाय भी मैंने बतला दिए। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बुध का गोचर ही है। 2021 के पूरे वर्ष भर में आपके साथ में क्या होने वाला है, यह 2021 का वार्षिक राशिफल आपके अपने चैनल पर मौजूद है। और हमने बहुत ही ज्यादा मेहनत से और बहुत ही प्यार से आपके लिए इस एपिसोड को बनाया है ताकि आप 2021 की पूरी प्लानिंग कर पाए बहुत अच्छे ढंग से, क्योंकि हमने पॉजिटिव डेट्स और नेगेटिव डेट्स दोनों को बतलाया है आपके हर सेक्टर के लिए, चाहे वो सेक्टर आपके इनकम का हो या इन्वेस्टमेंट का हो, आपके परिवार का सुख का हो, भूमि भवन और वाहन के सुख का हो, आपकी शिक्षा या संतान के सुख का हो, स्वास्थ्य और शत्रुओं का हो, दाम्पत्य सुख और गृह सुख का हो, और साथ ही साथ उन लोगों की भी बात की है जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में, और सबसे ज्यादा विस्तृत रूप में हमने विश्लेषण किया है आपके कैरियर का, आपके बिजनेस का, और 2021 के जो विशेष उपाय हैं वो भी हमने आपको बताए। तो एक ही एपिसोड में आपके पूरे वर्ष भर की प्लानिंग है, और ये एपिसोड बहुत विस्तार से बना है इसलिए बड़ा एपिसोड भी है, इसलिए पेशेंस के साथ में, धैर्य के साथ में इस एपिसोड को देखें, समझें और नोट करने लायक चीजें नोट करके रखें ताकि आप इस एपिसोड का बहुत बहुत फायदा या पूरा फायदा उठा पाए। और ऐसे में यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं, क्योंकि हर आम व्यक्ति को अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण एक बार तो जरूर कराना चाहिए, और जो बिजनेसमैन है क्योंकि उनका रिस्क फैक्टर बहुत बड़ा होता है, उनके इन्वेस्टमेंट बहुत बड़े होते हैं, इसलिए बहुत बड़ा स्टेप लेने से पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपके लाखों गुना प्रॉफिट करवा सकता है, क्योंकि जो फीस लगती है वो तो बहुत छोटी लगती है लेकिन उसके सामने इन्वेस्टमेंट आपका बहुत बड़ा है। ऐसी स्थिति में हमेशा एक ध्यान रखिए कि पैसा ही पैसे को बचाता है और पैसा ही पैसे को खींचता है। ये चीज आप जितनी जल्दी समझेंगे, जितना विस्तार से समझेंगे, उतना आपके लिए बेटरमेंट होगा। बहुत से लोग छोटे छोटे खर्चों को बचाने के चक्कर में बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं, ऐसे में मैं नहीं चाहता कि आपका कोई नुकसान हो आपको, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हर फैक्टर आप सावधानी के साथ में उसको मेंटेन करते हैं, उसको चेक करते हैं, तो एक फैक्टर आपकी किस्मत भी है। तो ऐसे में आपके प्रोजेक्ट के साथ में, आपके बिजनेस के साथ में किस्मत कनेक्शन कैसा है ये जानना भी आपके लिए जरूरी है, और इसके लिए आपकी जन्म कुंडली मददगार होती है। यदि बहुत बड़ा कोई सपना है, बहुत बड़ी कामना है या बहुत बड़ी कोई समस्या है, ऐसे में आपको जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये जो प्रॉब्लम है कितने दिन की है, कितने समय की है, या इस प्रॉब्लम से कैसे निकला जाएगा, कौन सा रास्ता है, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, शादी कब होने जाने वाली है या शादी नहीं हो रही तो उसका रीजन क्या है। कहने का अर्थ है हर समस्या के कई पहलू हो सकते हैं और उन पहलुओं को देख करके आप निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सा पॉइंट आपके लिए सही है, कौन सा रास्ता आपके लिए सही है। और ऐसे में आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर संपर्क करना है, हमारी टीम के मेंबर आपकी पूरी पूरी सहायता करेंगे अपॉइंटमेंट फिक्स करने में। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का, छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं, ईश्वर आपकी रक्षा करें, धन्यवाद।